तीन दशक से दिल छू लेने वाली खबरें करने वाले और समाज को अपने अनूठे ढंग से समझने समझाने वाले सबसे विशिष्ट और विश्वसनीय आवाजों में एक हमारे चहेते कमाल खान आज नहीं रहे। कल तक वे सक्रिय रहे, लेकिन आज सुबह उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका देहावसान हो गया। यह हम सब के लिए गहरे शोक की घड़ी है। अयोध्या मामले में अदालत के फैसले से पहले उन्होंने एक रिपोर्ट की थी जो आज भी लोगों को याद है। आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट। यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर मगहर में वो कबीर सो रहा है जिसने करीब 550 बरस पहले कह दिया था, दुई जगदीश कहाँ ते आए कहु कौने भरमाया, अल्लाह राम करीमा के शव हजरत नाम धराया। यानी मेरा खुदा तुम्हारा खुदा अलग कैसे हो सकता है, ये भ्रम किसने पैदा किया। लेकिन इसके बावजूद सन 1885 से इस ज़मीन पे सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ किसके खुदा की इबादत हो। इस एक मसले ने मुल्क में बहुत कुछ बदल दिया, रिश्ते भी बदल गए और सियासत भी बदल गई। रिश्ते तो चाहते थे कि बातचीत से ये मसला हल हो जाए, लेकिन सियासत ने हल नहीं होने दिया। 133 साल तक वे अपने अपने खुदा के लिए अदालत में लड़ते रहे। फैसले की इस घड़ी में हम उस तीर्थ में हैं जिसे भगवान राम की अयोध्या कहते हैं। राम इस धरती पे सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में से एक हैं। वो भगवान भी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भी। वो एक आदर्श पुत्र हैं जो माँ को दिए गए पिता के वचन को निभाने को 14 साल जंगल में रहते हैं। वो एक आदर्श पति हैं जो पत्नी के लिए रावण से युद्ध करते हैं। वो एक आदर्श राजा हैं जिनके राम राज्य की कल्पना कलयुग में भी होती है। इस दुनिया के करोड़ों हिंदू अपने नाम के आगे और पीछे उनका नाम लगाते हैं। अगर बात एक ऐसे भगवान की हो तो बहुत बड़ी हो जाती है। भगवान राम का मंदिर जन्म स्थान बनाने का पहला मुकदमा 1885 में फैजाबाद की जिला अदालत में दाखिल हुआ। बाबरी मस्जिद के दरवाजे के पास बैरागियों ने एक चबूतरा बना रखा था जिसे वे चबूतरा जन्म स्थान कहते थे। वहां वे रामलला की पूजा करते थे। इसी स्थान के महंत रघुवर दास ने अदालत से उस चबूतरे पे भगवान राम का मंदिर बनाने की इजाजत मांगी, जिसे अदालत ने दो कौमों के बीच झगड़े के अंदेशे में खारिज कर दिया। पंडित हरिकिशन सब जज ने 24 दिसंबर 1885 को अपने फैसले में लिखा कि मंदिर बनाने की इजाजत उस जगह के लिए मांगी जा रही है जहां मंदिर और मस्जिद को जाने का सिर्फ एक रास्ता है। हिंदुओं के पूजा के स्थान पर उनकी मिल्कियत है जिसपे कोई सवाल नहीं है, और वही मस्जिद की दीवार है जिसपे अल्लाह खुदा हुआ है। अगर चबूतरे पे मंदिर बनेगा तो वहां घंटे घड़ियाल और शंख बजेंगे, जबकि हिंदू मुस्लिम सब उसी रास्ते से गुजरेंगे। अगर यहां मंदिर बनाने की इजाजत दी गई तो यहां फौजदारी होगी और हजारों लोग मारे जाएंगे। कानून व्यवस्था के मसले के मद्देनजर अफसरों ने दोनों को किसी नए निर्माण से रोक रखा है। इसी तरह इस अदालत का मानना है कि यहां मंदिर बनाने की इजाजत देना दंगे और कत्लेआम की बुनियाद डालना है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हिंदुओं से पहले इस मस्जिद पे शियों ने अपना दावा पेश किया। उनका कहना है कि यह मस्जिद बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बनाई थी जो शिया था, इसलिए यह शिया मस्जिद है। 1946 में अदालत ने कहा कि क्योंकि मस्जिद बनवाने वाला बाबर सुन्नी था, इसलिए यह सुन्नी मस्जिद है। अयोध्या के इस विवाद में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1949 में 22 और 23 दिसंबर की रात को मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे राम लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां रख दी गईं। चंद दिनों बाद ही मस्जिद कुर्क हो गई और वहां पर रिसीवर बिठा दिया गया। 1950 से इसकी अदालती लड़ाई का दूसरा दौर शुरू होता है।
1950 की 16 जनवरी को गोपालदास विशारद फैजाबाद के सिविल कोर्ट पहुंचे कि मूर्तियां वहां से ना हटें और पूजा बेरोक टोक चलती रहे। अदालत ने कहा कि मूर्तियां नहीं हटेंगी, लेकिन पूजा सिर्फ पुजारी कर सकेगा। 1959 में निर्मोही अखाड़ा अदालत पहुंचा और वहां अपना दावा पेश किया। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत पहुंचा और अपना दावा पेश किया। 1989 में वीएचपी नेता देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा किया और 1989 में ही यह मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सन 2010 के 30 सितंबर को इस झगड़े वाली जमीन को रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़े और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांट दिया, लेकिन इसके सारे पैरोकारों ने पूरी जमीन पे दावे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। 78 साल के सत्येन दास उन महंत अभिराम दास के शिष्य हैं जिनपे 1949 में मस्जिद में मूर्तियां रखने का आरोप है। वो कहते हैं कि अदालत में मंदिर के पक्षकारों ने दावा किया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान राम के जन्म स्थान के आसपास जो मंदिर वगैरह बताए गए हैं उससे पता चलता है कि मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां रखी थीं वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। हमारे वाल्मीकि रामायण में और इसमें क्या कहते हैं आनंद रामायण में और तमाम ऐसे पुराण है, जो स्कंद पुराण है, इन पुराणों में ये नाप करके बनाया गया कि इसके आपास में कौन कौन से किधर भीषण कुंड है, किधर कौन सी चीज है, इस पर किधर कौन सा मंदिर है, कौन सा स्थान है, ये सारी बातें बना करके और सारी लिखित है और इसका प्रमाण सब कुछ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट ने इसी आधार पर निर्णय दिया कि यह सत्य है कि जहां पर रामलला विराजमान है वही उनकी जन्मभूमि है। सत्येन दास ये भी दावा करते हैं कि अयोध्या के मुसलमान खुद वहां नमाज नहीं पढ़ते थे। अदालत में मंदिर पक्ष ने दावा किया है कि वहां 1934 से नमाज नहीं हुई। ये स्वयं उसको मस्जिद नहीं मानते थे, नहीं मानते क्योंकि कोई पानी वहां पानी का व्यवस्था नहीं, वहां कोई मतबल्ली नहीं है, वहां मीनार नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का कोई भी ऐसा था ही नहीं। आज तक कभी खोज में नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद का इमाम कौन है। ऐसी स्थिति में इमाम बना ही कोई नहीं, क्योंकि उनके शरीयत के अनुसार जहाँ पर विवादित जगह पर मस्जिद बनती है उस पर नमाज अल्लाह खुदा स्वीकार नहीं करता। दो हजार तीन में अयोध्या में विवादित जमीन पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की जिसमें वहां ईसा पूर्व से लेके 12वीं सदी तक के तमाम अवशेष मिले हैं। इनमें टेराकोटा की महिलाओं और जानवरों की आकृतियां हैं। 11वीं-12वीं सदी का एक बड़ा स्ट्रक्चर मिला है जिसमें खंभों वाला एक बड़ा हॉल लगता है। वहाँ पर जो है एक शंकर भगवान का या एक से जो है शिवलिंग प्राप्त हुआ और ऐसे मंदिर का जो है दिखाई दिया, ऐसा मंदिर कि वह दो तीन उसमें है, मतलब प्रथम तल में है, दूसरे तल में है और उसको जो है उसमें कहा गया कि इसमें लगभग 12 या 15 जो है स्तंभ हैं जो सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर मंदिर था पूर्व में और जिसको जो है प्रकृति के अनुसार या प्रगति वो क्या कहते हैं स्थानीय जो है कभी जो जिस प्रकार से एक वातावरण इस प्रकार का बना हो कि वह अंदर दब गया तो इस ये जो है सिद्ध करता है कि वहाँ पर रामलला थे और उनकी ये किरणास्थली जन्मस्थली है क्योंकि बगल में ही कनक भवन है और कनक भवन का ये इतिहास है कि यहाँ पर माता कैकेयी ने जो है वो दिया था क्या कहते हैं अपने जानकी जी को मुँह दिखाई में। तो हम सब ये मान्यताओं को जो है कहीं ना कहीं पुख्ता मानते हैं, इस पर जो है विश्वास करते हैं। वीएचपी का दावा है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद टूटने के बाद वहां से एक शिलालेख मिला है जिस पर लिखा है कि वहां भगवान विष्णु का मंदिर था जिन्होंने बाली और 10 सिर वाले का वध किया था। 1992 में ढांचा गिरा तो उसमें विष्णु हरि के नाम से एक शिलालेख निकला और उस शिलालेख में जो है उस भाषा जो एक संस्कृत की भाषा वैदिक कालीन युग था उस समय का उसका उल्लेख है कि यह विष्णु हरि का मंदिर था और इसमें जो है लगभग 10-12 लाइनों में वो उल्लेख है और उस वो क्षतिग्रस्त हो गया वैसे तो शिला।
वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे अयोध्या की कई सुनी अनसुनी कहानियों के साथ। मस्जिद के दावेदार नहीं मानते कि यहाँ मस्जिद कोई मंदिर तोड़ के बनाई गई थी। यहाँ हुई ईसाई की खुदाई के ऊपर भी कई इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट सवाल उठाते हैं और यही सवाल उनके भी हैं। वो कहते हैं कि खुदाई में जमीन के नीचे से भगवान राम का कोई मंदिर नहीं मिला है और ना ही ऐसा कोई सबूत कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। वापस नहीं लौट के आए। लेकिन हाजी महबूब के घर हर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद टूटने की याद में यौम गम यानी शोक दिवस मनाया जाता है। पहले उनके पिता हाजी फेकू इसके पक्षकार थे, उनके बाद वो हो गए हैं। उनका कहना है कि यहाँ मस्जिद ही थी। मस्जिद पे एक पत्थर लगा था जिसमें खुदा था कि 935 हिजरी में इसे बाबर के हुक्म से मीर बाकी ने बनवाया। मस्जिद में जिस तरीके से वजू खाना होता था, वजू खाना था, मस्जिद में मेंबर थे जिस पर इमाम नमाज पढ़ाता था और दावे के साथ थे सामने मस्जिद जब बुनियाद रखी गई थी जब तो उस पर लिखा हुआ था कि बाबा मीर बाकी ने उसको बनवाया था, तामीर करवाया था, हर चीज़ तो मौजूद थी। अब लोग कोई दावा करें कि वहाँ नहीं था, गलत कहते हैं। हर चीज़ मौजूद था, सहन था, मस्जिद में सहन थी, मस्जिद में सहन भी था, हर तरीके से तो मस्जिद कम्प्लीट थी। इकबाल अंसारी के पिता हाशिम अंसारी बाबरी मस्जिद के सबसे पुराने मुद्दई थे। जब वो नहीं रहे तो उनकी जगह इकबाल अंसारी पैरोकार बने। वो मंदिर पक्ष के उस दावे को खारिज करते हैं जिसमें मस्जिद के खंभों में मूर्तियां होने का दावा है। अदालत में भी मस्जिद पक्ष ने कहा है कि खंभों पे फूल और कुछ आकृतियां बने होने से भी मस्जिद मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद बनाने वाले किसी और धर्म के भी हो सकते हैं जिन्होंने ये बनाया हो। देखिए आज भी बात जो है उसमें 22 पत्थर जो है उसके अंदर जो लगे हुए थे मस्जिद में, 22-23 पत्थर उसमें थे और सब कसौटी के पत्थर हैं, वो पिलर टाइप के हैं, वो खूबसूरती के लिए लगाए गए थे और उस पर कोई मूर्ति नहीं बनी हुई है क्योंकि आज भी वो सबूत के तौर पे रखे हुए हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो पत्थर मंदिर में लगे थे उसको तोड़ करके बनाया गया है। 1-6 इंच की मूर्ति वहाँ जो है निकली हुई है बौद्धों की बहुत दूर पे। मस्जिद के पैरोकारों ने अदालत में कहा है कि मंदिर के दावेदारों ने 150 साल में 3 अलग अलग स्थानों पर मंदिर होने का दावा किया है। खुदाई में मंदिर के आकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला। जो खंभे मिले हैं वो अलग अलग पीरियड के हैं। वहाँ जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं जो मंदिर में नहीं हो सकती। हड्डियों की कार्बन डेटिंग नहीं कराई गई है और ASI ने भी अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा है कि वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। एक बड़ा हॉल था जिसको उनका कहना है कि यह मंदिर पुराना था जिसको तोड़ करके ऊपर मस्जिद बनाई गई, नीचे जो है वो मंदिर का स्ट्रक्चर है। देखिए मैं खुदाई में बराबर मौजूद था, ना वहाँ कोई स्ट्रक्चर ऐसा मिला है कि जो मंदिर के तरीके से कहा जाए। वहाँ हाँ कुछ दूर के बाद मस्जिद से अलग बौद्ध धर्म का स्ट्रक्चर जरूर मिला है वो हम कह सकते हैं, लेकिन भगवान राम के जमाने की कोई चीज वहाँ नहीं मिला हुआ है। यूं तो इस मामले में सुलह की एक दर्जन से ज्यादा कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे के रहते रहते पिछले चंद सालों में सुलह की 3 बड़ी कोशिशें हुई। एक बार आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2 बार मेडिएशन कमेटी के जरिए ये कोशिश हुई। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने इस्लामी यूनिवर्सिटी नदवतुल उलेमा में इस्लामी धर्मशास्त्र के प्रोफेसर सलमान नदवी से मिलके अदालत के बाहर सुलह की कोशिश शुरू की। 16 नवंबर 2017 को वो इसके लिए अयोध्या भी गए लेकिन उन्हें VHP का सहयोग नहीं मिला। मुख्य बात यही है कि अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग भाव है, कई निराशावादी है पर हम समझते हैं कठिन है काम, पर सब मिलके एक अच्छा एक संदेश देश भर में जा सकता है यदि दोनों समुदाय पास आए, दोनों समुदाय के सहमति से वगैरह। नवै प्राण संजो नवै पंचवायु नवै सप्त धातु नवै पंच कोशा।
इस बीच तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी और उलेमा अपने अपने तरीके से कोशिशें करते रहे कि झगड़े वाली जमीन मंदिर के लिए दे दी जाए। रियलिटी जो है, जो जमीन पे है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहाँ जो है, अगर मुस्लिम्स के फेवर में रूलिंग हो तो क्या वहाँ मस्जिद दोबारा बन सकती है? मेरे ख्याल से कि जो है आजकल इतने सेंटिमेंट्स हैं कि मस्जिद वहाँ नहीं बन सकती। तो सबसे बेहतर ये है कि अगर मुस्लिम्स के फेवर में हो रूलिंग तो वो उसको गिफ्ट कर दें। अयोध्या में सूरज भगवान राम की आरती के साथ उगता है और उनकी आरती के साथ डूब जाता है। अयोध्या में हर घर में राम की एक मूरत है, लेकिन वो करोड़ों दिलों में बसते हैं, उनके दिलों में भी जो उन्हें पूजते हैं और उनके दिलों में भी जो उनकी पूजा नहीं करते। अब वे उनके मंदिर के इंतजार में हैं। करीब 135 साल से चल रही यह कानूनी लड़ाई अब अपने अंजाम को पहुंची है। अयोध्या में उम्मीदें भी हैं और अंदेशे भी। उम्मीदें इस बात की कि रामलला को चाहने वाले शायद अब उन्हें मंदिर में देख सकें, और अंदेशे इस बात के कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर ऐसा हो भी गया तो क्या होगा। अयोध्या में सरयू तट से कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।